ये वाले रेड बेल्ट का सेटअप करने वाले हैं आज हम लोग, और एक ये वाला भी लेके आए। हम लोग ने सोचा जैसे ये वाला बड़ा रेस बेल्ट है, 5x5 फिट का, लगभग 5x2 फिट का। तो इसमें हम लोग जैसे टमाटर हो गए या और वैसे कुछ सब्जियां उगाएंगे, और ये वाले में जो ग्रीन्स होते हैं, कोरिएंडर हो गया, स्पिनच हो गया, ये सब उगाएंगे। तो चलिए आज इन्हें सेटअप करते हैं फटाफट से। वैसे ये फटाफट से होने वाला नहीं है, बहुत टाइम लेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले सबसे बड़ा काम मिट्टी लगानी है, मतलब मिट्टी को, मतलब सॉइल को मिक्सअप करना है उसका, वो बहुत टाइम लेगा। चलिए देखते कितना बड़ा ये ग्रो बैग है। अरे बाबा, तो ये कुछ इतना बड़ा है, लगभग मेरे से भी बड़ा है, हम सो जाएंगे ना, उससे भी बड़ा है। चलो हम सो के दिखाते। इसमें ये कुछ पाइप आए हैं ताकि ये सपोर्ट रहे, बिना पाइप वाले भी आते थे लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद आया, तो हम लोगों ने पाइप वाला लिया है। इसमें ड्रेनेज होल भी काफी बड़े बड़े और अच्छे हैं, ऑलरेडी इसमें ये प्लग्स लगे हुए हैं। लेकिन नीचे साइड नहीं है, साइड में क्यों है? सारे ग्रो बैग में ड्रेनेज होल साइड में होते हैं। और ये पॉकेट क्या है? ये शायद उसको पाइप डालने का सपोर्ट वाला। पहले सेटअप करते देखते कैसे होगा, हमें भी नहीं पता, पहला बार ही कर रहे हैं। हम लोग जो भी मंगाते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो हम लोग के पास इतना दिमाग है कि हम लोग सर्च। चलो स्टार्ट। तो ये नीचे साइड लगेगी या ऊपर? सब इसमें है। इसमें देखो बड़ा छोटा है, किसी से बड़ा छोटा होगा पहले ये सब। हाँ देखो ये छोटे वाले हैं, छोटे वाले तो हाइट सपोर्ट के हैं, और ये चारों तरफ वाले पहले ऊपर के चार कर ले, ऊपर का ये कर लेते हैं तो ये टिका रहेगा। देखो ऐसे करो, तो ऐसे डालो, उसके बाद उस तरफ वाला मेरा हाथ नहीं हो रहा है ना, किसी को मेरे एंगल में। Building a castle, it's you, me, and Picasso. It'll take some time to find the right pieces, but I see the bigger picture. It's on your heart imprinted. How do we go about walking the distance? Having it all in an instant. Special things happening more than an instant. So how do we go about walking it? Gardening pura DIY project hai. Matlab hum bol sakte hain sabse zyada DIY koi project hai to wo gardening hai. करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर होगा। जब अपने लोग को एक प्लांट लगाते हैं कभी कभी वो मर जाता है, फिर से लगाते हैं, फिर वो थोड़े दिन रहता है फिर मर जाता है, फिर लगाते हैं तो वो पता चल जाता है कैसे मरा। तो ये पूरा DIY प्रोजेक्ट है गार्डनिंग। तो हमारा हाथ दुख गया है, मतलब मेरा तो पहले ही दुख गया था, सौरभ का भी दुख गया। अभी तो मिट्टी उठानी है 200 किलो, एक बोरा करके लगाना है। लग नहीं रहे 200 किलो में भरेगा, 200 किलो मिट्टी है भी नहीं हमारे पास, 150 किलो है। हाँ हो जाएगी लगभग। उसके बाद कोकोपीट सब भी तो मिलाएंगे। थोड़ा उधर तुम्हारा लूज हो गया, ठीक। बस ये ऐसे ही है, नीचे में था ना, तुम बोला था सपोर्ट सब पे, नीचे साइड भी कुछ था ना, ये जमीन पे थोड़ी था, तुम बोला जमीन पे नहीं रहेगा, ऊपर थोड़ा उठा रहेगा। रेत पर जमीन पे ही तो रहेगा, ऊपर कैसे उठा रहेगा? तुम बोले थे स्टैंड पे रहेगा, स्टैंड अपने को मंगाना था,
ओके, तो ये हम लोग का सेट हो गया है, जहां तक मुझे समझ आया मैंने कर लिया है। बाकी तो मिट्टी भरने से भी थोड़ा फुल के अच्छे से हो जाएगा, ये तो बस ऐसे ही सपोर्ट के लिए था। आज लग नहीं रहा कंप्लीट हम लोग मिट्टी भर पाएंगे, देखते हैं, कुछ कुछ काम करके जाते हैं, बाकी आके कल सुबह करेंगे। तो मैंने अपना रेज बेड यहाँ पे लगा लिया है, ये लगभग मेरे साइज का है। हम लोग ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि थोड़ा मिट्टी कम लगेगा और ये धीरे धीरे गल के वो हो जाएगा, खाद बन जाएगा। तो यही बेसिकली हम लोगों का ऐसे, तो हम लोग दो तीन दिन लगेंगे। अरे थोड़ा खाली हो जाएगा ना, पलटा लेंगे। तुम अभी पलटा सको, केले तो एक मिनट उनकी पलट। ऊपर से बैलेंस कर, छोड़ो फिर तो फायदे क्या हुआ, पैसे को चल गया। तो गाइस ये हमने मिट्टी डाली है, जो भी हमारी पुरानी मिट्टी थी ना इधर उधर से निकली थी वो सब डाल दी। तो फ्रेंड्स अब शाम हो गया है और हमारा काम अधूरा ही रह गया, अब हम लोग कल सुबह करेंगे। तो आपसे कल सुबह मिलते हैं सेम वीडियो में। शाम हो गया था और अंधेरे में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो इसीलिए अभी 7 बज रहे हैं। तो अब हम लोग ड्यूटी पे आ गए, अपना काम खत्म करते हैं, रेज बेड सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं हम लोगों के चैलेंजेस। सबसे पहले हम जो मिट्टी हम लोगों ने लगाई थी उसमें कोको पीट डालेंगे, उसके बाद हम लोग और मिट्टी ऊपर से डालेंगे। We both try the same, and when the painting is crooked, we gently only push it, we don't take it down. How do we go about walking a distance when we grew up having it all in an instant? Special things happening more than an instant. So how do we go about walking the distance? Who knows what's tomorrow? Get up, let's go dancing. You have whiskey around. तो अब हम लोग इसमें पहले कॉम्पोस्ट डाल दे रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट है।
छोटम पड़ गया लगता है, तो इसको मिक्स करना है। ऊपर वाले में मिक्स हो जाएगा। एक बात बताते हैं, हमको कीड़े से बहुत डर लगता है, बट पता नहीं हम गार्डनिंग बहुत एंजॉय करते हैं, इसीलिए हम डरते भी हैं और चढ़ते भी हैं। ये हम लोग का 50 किलो का एक और बैग मिट्टी का, होपफुली इसमें हम लोग का काम हो जाएगा कंप्लीट। तो गाइस हम लोगों को ये वाली सॉइल अच्छी लगी, इन्हें भी हम लोग फेसबुक में देखे थे और अच्छी क्वालिटी इसमें परलाइट भी मिली हुई है, और देखते हैं एंड तक कैसी होती है, एंड में धोखा हो जाता है। Grab a cup of coffee, pour it over ice. Take it for a walk while we talk about our lives. I just wanna spend some quality time, some quality time. And I don't need a gift, I don't need to know your sign. And we don't need to do something you don't really like. I just wanna spend some quality time, some quality time. But no one ever really gets it. I swear I got the best intentions, cause I'm not really good at saying words. But we can find a way to make it work. What's your favorite kind of movie? It doesn't really matter to me, cause I'm down to do whatever is the mood. Just tell me what I can do to make you mine. Baby, I've been trying to love you the way I do best, so would you just take my... हम लोगों ने इसे सेट कर दिया है, इतना ही करना था। अब इसमें सीड डालना बाकी है, वो हम लोग शाम में डालेंगे और आपको नेक्स्ट एपिसोड में वो देखने मिल जाएगा। और तब तक हम आपको मेरे टेरेस गार्डनिंग का अपडेट दे देते हैं, कैसा क्या चल रहा है। लास्ट जब हम लोगों ने ट्रिमिंग की थी तब ये इतना अच्छा ग्रोथ नहीं था, बट उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ आ गया है और पाम में भी आ गया है। इतना ज्यादा नहीं है बट पहले से बहुत अच्छा ग्रोथ है, जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल डर है। एक दो पत्ते नए आए हैं और इसका भी बहुत अच्छा ग्रोथ है ये वाले पॉट का। उसके बाद ये वाले पॉट का भी बहुत अच्छा ग्रोथ आया है और ये वाले प्लांट में भी प्लांट्स आए हैं नए, एक दो पत्ते। और ये भी देखो ये दरवाजा के उस पास जाने लगा है। ये फ्लावर बहुत कम देता है, एक साथ नहीं देता है ये फ्लावर, कभी कोई देते कभी कोई लीफ फ्लावर देता है ना, तो पता नहीं चलता है कि फ्लावरिंग प्लांट है। बट ये व्हाइट व्हाइट फूल बहुत अच्छे लगते हैं इसके। ये वाला भी ट्रिम किया था, उसके बाद ये बहुत बढ़ गया है। देखिए यहाँ से हम लोगों ने जो ट्रिम किया था, साइड साइड से फ्लावर्स मतलब पत्ते आने लगे हैं, यहाँ पे भी आने लगे हैं। तो ट्रिम करने का बहुत अच्छा फायदा हुआ है, लंबा भी हो गया थोड़ा। और हमारा ये वाला प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है। उसके बाद हमारे पास एलोवेरा है, एलोवेरा में नए लिप्स नहीं आए हैं, शायद इसकी सॉइल पुरानी हो गई है या मैंने थोड़ा खोदा नहीं है इसे। तो ये करने के बाद और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डालेंगे ना, तो इसमें आ जाएगा नया नया पत्ता, मगर इसमें बहुत अच्छा पत्ता आया है। ये मैं मार्च अप्रैल मई में मैंने रिपोर्ट किया था इसको, बट ये बहुत अच्छा ग्रोथ किया है ये वाला पॉट, व्हाइट पॉट का एलोवेरा। उसके बाद हमारा ये वाला प्लांट, ये ना जब घर के अंदर था तब इतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता था, लीव्स गिर जाता था, मतलब ऊपर से लीव ग्रो होता था नीचे से लीव टूट जाता था। बट छत पे रखने के बाद ये बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। पता नहीं अब इसे हाउस प्लांट बोलते हैं या टेरेस में, इसको कम से कम 7-8 घंटा की तो धूप लगती है, बट ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये तो मैं, ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बस ये थोड़ा लीनिंग हो गया, हमको राउंड घुमाना पड़ेगा। और ये वाला तो पूरा सनलाइट प्लांट है, तो ये तो अच्छा ही ग्रो कर रहा है, बट हमको ये नहीं समझ, ये बहुत ज्यादा लीनिंग है, तो क्या इसमें लीफ अब वापस नहीं आएगी, आप बताना। तो ये मैंने जेड प्लांट लगाया था मई जून में, तो ये भी छोटा सा लगाया था, ये भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। और इसका थोड़ा हालत खराब है, बट हम थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डालेंगे और थोड़ा इसको ऐसे से करेंगे ना, तो ये अच्छा से ग्रोथ ले लेगा। एलोवेरा तो
मैंने ऐसे ही बेबी प्लांट निकाल के डाल दिए थे, तो ये रूट इसका सेट होने में टाइम लगता है, उसके बाद तो ये भी ग्रो कर लेगा। और मेरे पास ये अजवाइन है, ये अजवाइन का भी जो पुराना लीफ था सब हटा दिए थे, तो ये क्या है अभी रूट नीचे में बन रहा है, जब ये रूट नीचे में अच्छी से बन जाएगा पॉट में तब ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ऐसे ये ग्रो कर रहा है छोटा छोटा लीव्स। ये वाला भी एलोवेरा बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा, बट ये पतला पतला एलोवेरा है ना, इसको तो फेस में भी लगाने में काम नहीं आता, बस ऊपर की जो एक दो डंटी है ना वो काम आती है। ये तो पता नहीं इसका क्या करना है, तो इसे काटने में काट के भी क्या फायदा है, ऐसा होता है भड़ भी रहा है। उसके बाद ये वाले प्लांट, ये तो ये वाला जो फ्लावर है ना इस वाले प्लांट का, मतलब ये वाला प्लांट, ये सबसे ज्यादा मेरे छत पे बूझी है, एकदम एक दूसरे में लटपट हो रखे हैं, देख सकते हो कितना बूझी है ये। उसके बाद मेरे पास ये वाला अजवाइन है, देखो ये ना काटते जाते हैं हम और ये बढ़ता जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो रखा है ये, और बहुत हेल्दी लीव्स है इसकी। ये अजवाइन प्लांट है बट इसमें से अजवाइन नहीं निकलता है, बट ये अजवाइन जैसा ही खुशबू देता है, इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, बट हम आज तक कोई भी बेनिफिट नहीं है, बस स्मेल बहुत अच्छा लगता है, हम आते हैं इसको छूते हैं और इसकी खुशबू हम ले लेते हैं। ये तो हमारा पाम, ये भी अच्छा ही ग्रो कर रहा है, जब से कटिंग की है ना तब से इसमें अब वो ब्राउन लीव्स भी ज्यादा नहीं हुए हैं, तो कटिंग का बहुत फायदा हुआ है हम लोगों को। ये वाला भी हेल्दी ग्रो कर रहा है, तो ये भी बहुत सब हेल्दी ग्रो कर रहा है। ये हमने जेड प्लांट की, इसी प्लांट से जेड प्लांट की बहुत सारी प्रूनिंग की थी, तो इसमें भी नए नए लीव सारे आ गए। ये हमारा स्नेक प्लांट है जिसमें मैंने प्रोपागेशन करते रहते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा सा इधर बाकी है, जब ये पूरा भर जाएगा तो हम अलग से निकाल के सबका प्रोपागेशन कर देंगे, प्रोपागेशन बाय डिवीजन बोलते हैं उसको। ये मेरा अरिका पाम है, तो ये ना एकदम जान छोड़ दिया था, तो हम इसका इसको कुछ नहीं किए, बस थोड़े थोड़े दिन पे पानी देते रहे, ये अपने आप रिकवर कर लिया। तो प्लांट की ज्यादा केयर करने से भी प्लांट बढ़ जाते हैं, हमको ऐसा समझ में आया, क्योंकि ये फिडल लीफ फिग है, ये तो मर ही गया था, बस इसका मैं डंटी बची थी और कुछ नहीं, बट ये देखो लीफ आ गई है इसमें और नया पत्ता भी आ रहा है, ये सब नए पत्ते, बस इसका ये डंटी बची थी इसमें। ये वाला जो प्लांट है ये मेरे घर में था, मतलब नीचे था जब हम दूसरे घर में थे तब ये ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा था, तो बट यहाँ ये सन में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। देखो ये जो मैंने कटिंग कर दिया था ये पूरा इतना बड़ा था, इसको हमने कटिंग कर दिया था, आप तो देख सकते हो ये जो ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन लीव्स है ये सब कटिंग के बाद आई है, तो ये बहुत अच्छा ग्रो कर गया है। और ये स्नेक प्लांट है जो हम लोग ने प्रोपागेशन किया था, तो इसमें उतनी ग्रोथ नहीं है, बट इसकी दो और भाई बहन है उसमें छोटे छोटे पप्स आ गए हैं, वो हम नीचे लेके गए हैं। ये चाइनीज एवरग्रीन है, तो ये तो मड़ा हुआ ही था बड़े पॉट में, इस पॉट में था, बट हम इसको निकाल के इस पॉट में किए, अब इसमें ग्रोथ आ जाएगा। ये सब हमारे जेड प्लांट है जो प्रोपागेशन हुए हैं। ये टेबल पाम है, ये पता नहीं कहाँ से मेरे को निकला है, बट ये देखो इसमें एक लीफ है, इसमें ना दो महीने से पानी नहीं दिया गया, ये जो हम लोग ने मूव किए थे तो मूवर्स एंड पैकर्स ने एक बोरी में डाल दिया था जिसमें मिट्टी था, तो उसमें से कल हमको मिला है, तो देखो इसमें एक लीफ अभी भी जिंदा है और पानी भी नहीं दिया गया दो महीने से, तो आप देख सकते हो मदर नेचर कितनी स्ट्रांग है, अपने आप को बचा के रखी है, तो इसमें पक्का से लीफ आ जाएगा अगर हम केयर करेंगे एक दो महीने में। ये सब हमारे जेड प्लांट है। ये हमारा स्पाइडर प्लांट है, इसमें दे पता नहीं इसका समझ नहीं आ रहा है हमको, ब्लैक लीव्स हुए हैं, नए लीफ आए होंगे पर थोड़ा डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना, इसमें तो आए हैं, देखते हैं आगे आगे होता क्या है इसके साथ। ये हमारा जेड प्लांट प्रोपागेशन, इसमें भी लीव्स आए हैं। ये हमारा पाम है और यहाँ पे रोजेस भी हैं, और ये कौन सा प्लांट है, मधुकामिनी है कुछ, मधुकामिनी है,
इसमें व्हाइट फ्लावर आता है, तो ये देख रहे हो पूरा भड़ा भड़ा सा हो गया है, तो ये भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है कटिंग के बाद। ये हम लोगों ने यहाँ तक था, हम लोगों ने पूरा काट दिया था, तो इसका भी एक अच्छा सा ग्रोथ हो गया है। देखो ग्रीन लीव्स आ रहे हैं, ये देखो मैंने बोला ना इसमें व्हाइट फ्लावर्स आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, अगर सब संग में आए तो बहुत सुंदर लगता है। ये वहीं पे था जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा था, और ये यहाँ पे देखो एक और है मेरे पास ये वाला, इसमें भी फ्लावर्स आ रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा आम का गाछ थोड़ा पतला है, लंबा हो रहा है, बूजी नहीं हो रहा है। बताओ टिप्स आप कैसे हम बूजी करें इसको। और मेरे छत की एक और प्रॉब्लम है, हम डेली स्पाइडर साफ करते हैं और डेली स्पाइडर बन जाता है। देखो यहाँ पे स्पाइडर बना लिया, रात भर में स्पाइडर बना लेते हैं, तो इसके भी आप टिप्स बता दो। हम नीम ऑयल भी स्प्रे करते हैं, डेली तो नहीं कर सकते ना, हफ्ते में 2 दिन नीम ऑयल स्प्रे करते हैं, बट फिर भी स्पाइडर बना रहा है, हर जगह बना लेता है, और कितनी जगह तो हमें दिखती भी नहीं है ना। ये सपाटू है, देखो सपाटू का फ्लावर भी आने लगा है। ये हम लोगों ने ट्रिम की थी जब आया था प्लांट लेके, हम लोग तभी ट्रिम किया था, इसका बहुत सारा आ गया है। ये हमारा शरीफा है, इसका भी लीफ आया है नया, थोड़ा लीव्स ब्राउन भी हो रहा है, उसका भी आप रीजन बता देना हम लोगों को। नीचे से तो लीफ आए हैं, वो ग्रीन है। ये हमारा वही वाला प्लांट, देखो यहाँ पे कितना बड़ा स्पाइडर, आपको दिख रहा है? नहीं दिखेगा आई थिंक सो। और लीव्स भी आ रहे हैं, येल्लो भी हो रहा है, इसका लीव्स येल्लो हो रहा है, येल्लो होके ब्राउन हो रहा है, इसका रीजन आप लोग बता देना हमको। ये हमारा करण अर्जुन, ये करण है, ये अर्जुन है, और यहाँ पे नींबू ही नींबू के फूल जो है ना वो आने लगे हैं। और ये प्लांट भी बड़ा हुआ है, ये प्लांट सही जा रहा है। ये कब, ये प्लांट है ना जो जल्दी ड्रूपी हो जाता है, और इसमें थोड़ा पता नहीं इसको शायद धूप ज्यादा लगता है, ये बहुत जल्दी ड्रूपी हो जाता है। और ये पाम भी सही जा रहा है हमारा, ये सब डेकोरेशन प्लांट है बट अच्छा जा रहा है। ये वाला हमारा फाइकस अच्छा जा रहा है, देखो यहाँ पे भी स्पाइडर बना रखा है अपना। ये मेरा नीम का गाछ है, ये सही जा रहा है, लंबा हो रहा है, बट नीचे से ये बहुत ज्यादा खाली है, तो आप बताओ टिप्स एंड ट्रिक हम क्या करें जो यहाँ से भी स्टेम निकल ले, जो नहीं निकल रहा है सिर्फ लंबा हो रहा है, वो लंबा तक तो हम पहुंच भी नहीं पाते। अब हमारा बचता है ये वाला भी एकदम सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसको। और आ जाते हैं हम लोग अपने सीड की तरफ, तो इसमें से सिर्फ ये 3 निकले हैं, हम लोगों ने बीज वाले की बीज ली थी, देखते हैं कितना हम लोग कामयाब होते हैं। ये कौन सा मिर्ची है? येलो कैप्सिकम। ये येलो कैप्सिकम है, और बाकी में से कुछ भी नहीं निकला है। और हम लोगों ने अब प्रोपागेशन करने का कोशिश किया, ये नीम है, मीठा नीम, देखते हैं इसमें कुछ ग्रोथ आता है या नहीं आता है। ये हमारा फ्लावर है, इसका क्या नाम है आप बता देना, हमको नहीं पता। बहुत सुंदर लगता है इसका लीव। हाँ, आपने देखा होगा मेरा लास्ट एपिसोड जिसमें हम लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग की थी, अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वाला भी एक फ्लावर है, उसने बोला बहुत खुशबू देता है, एक्चुअली सौरभ को भी पता है ये बहुत अच्छा सा स्मेल देता है, बट इसका भी नाम नहीं पता है, तो आने दो फिर पता चलेगा इसका नाम, या तो आपको पता हो तो बता देना। ये वाले प्लांट बहुत सुंदर लग रहा है फ्लावर तो, बट इसका भी हमें नाम नहीं पता, बता देना। अपराजिता है, एक येलो, ये व्हाइट वाली अपराजिता है, ये ब्लू वाली अपराजिता है। और ये जो है ये हमने इतना बड़ा था, ये हम लोगों ने ट्रिम करके छोटा कर दिया,
इसमें भी ग्रोथ है बट इसकी लीव्स अभी भी ब्राउन ही हो रही है, पता नहीं इसकी लीव्स क्यों ब्राउन हो रही है। तो गाइज हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, आपको टेरेस गार्डनिंग का भी अपडेट दे दिया है और हम लोग इसमें सीड आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं कैसे डालते हैं हम लोग। अगर आपको टिप्स पता हो, ट्रिक्स पता हो तो वो भी शेयर कर देना हम लोगों से, क्योंकि हम लोग बहुत न्यू हैं टेरेस गार्डनिंग और फ्लावर्स में। हाउस प्लांट तो फिर भी हम लोग रखते आए हैं तो हम लोगों को पता है उसके बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करना।